जनाब जाबिर के वाल थे अब्दुल्ला और ये जनाब अब्दुल्ला उन हजरात में से थे कि जो शहीद हुए जंग ओहद में और कहां पर शहीद हुए कि जब एक बड़ी तादाद अशरफुल अंबिया के हुक्म की मुखालफत करती हुई भाग गई कि जिनको अशरफुल अंबिया ने मुन किया था कि जब तक मैं हुक्म ना दू तुम इस पहाड़ी से हटना नहीं तो वहां पर जो आखिर में चंद अफ़रात रह गए थे उनमें से एक थे जनाब जाबिर के वालिद यानी जनाब हजरत अब्दुल्ला यानी सही माना में अशरफ उ के चाहने वाले और पैरोकार अहब में से थे कि उनके दर्जा की बुलंदी के लिए बर मुहमद वाले मुहम्मद सलाबा और उन्हें अशरफ उ ने बशारत दी थी कि तुम शहीद हो गए लिहाजा जनाब अब्दुल्ला ने जनाब जाबिर से फरमाया था कि तुम मेरे बाद मेरी बेटियों का ख्याल कर लो और कुछ वसीयतें फरमाई थी और वाजे कहा था कि मुझे अशरफुलंबिया ने बशारत दी है कि मैं शहीद हो जाऊंगा तो जनाब जाबिर भी मुखलिस अफराद में से थे और जनाब अब्दुल्ला भी मुखल अफराद में से थे अब फर्ज करें कि उसी जमाने में बाज अ ऐसे थे कि जो मुनहरिफ हो गए क्या इनको बराबर रखा जा सकता है मिसाल के तौर पर जनाब अब्दुल्ला ने अपनी जान दे दी हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं की लेकिन कितने लोग थे जो भाग गए क्या ये बराबर है यानि अब अगर ये कहा जाए कि जनाब हजरत अब्दुल्ला यानि वालिद जनाब जाबिर भागे नहीं तो आप कहेंगे ये जो आपने जुमला का भागे नहीं इसका मतलब क्या कोई भागा था मैं कहूं कि जी भागा था अब आप कहें कि आप इख्तलाफ डाल रहे हैं ना इख्तलाफ नहीं डाल रहे हैं हम हक बयान कर रहे हैं कि हाँ भागे थे लोग उनमें से एक साफ़ फरमाते हैं कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था और मैंने खुद देखा कि मैं पहाड़ी बकरे की तरह उछल रहा हूँ उन्हें खुद उस दिन एहसास हुआ कि मुझ में उछलने की बहुत ताकत है मतलब एक साहब थे कि वो इतना दूर निकल गए पहाड़ पे भागते हुए और शोर मचा रहे थे कि जो उनके गुस्से का आलम था और उसी प्रोपगंडे में थे कि अंबिया को मार दिया गया तीसरे एक साहब थे कि इतना दूर भागे एक दो के साथ मिलके के अंबिया जब मदीने आ गए तो उसके दो दिन के बाद वापस आए जिस जिसपे आपने फरमाया लखत फर तुम और कि और एजा के माना लिए जाते हैं कि अगर उर्दू में किया जाए तो बहुत चौड़े भागे भाई बहुत लंबे भागे भागते 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 मदीने से भी उबूर कर गए अब ये वही मौजूद था कि जो इमरान खान ने डिस्कस कर दिया क्या ये तोहहीन है? है अब ये नहीं हो सकता कि जनाब अब्दुल्ला को और भागने वालों को बराबर रखा जाए तो अगर कोई ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है लेकिन अक्ल कहती है कि नहीं बराबर नहीं तो जनाब अब्दुल्ला थे और ये इनके वाले थे